जवान लोग ले रहा है, मगर यहाँ रोजगार के नाम पर कुछ नहीं, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। यहाँ से हर साल 4 लाख 5 लाख आदमी दिल्ली बॉम्बे सूरत जाके प्राइवेट जॉब कर रहा है, डिग्री पॉकेट में रखे हुए हैं। इसलिए तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार का भ्रमण किए हैं 243 विधानसभा में। उसमें एक प्रमुख मुद्दा आया कि यहाँ बिहार में 15 साल से भारी संख्या में बेरोजगारी का इजाफा हुआ है। पूरे देश में नौकरी मिल रहा है, मगर बिहार में नीतीश जी के पास नौकरी नहीं है। जो नौकरी है उसको भी छाट रहा है। देखिए भी नियोजित शिक्षक रोज डिस्चार्ज हो रहा है, नौकरी नहीं कर रहे। लेकिन इसके खिलाफ बेरोजगारी हटाओ यात्रा का आज वेटनरी कॉलेज मैदान से आरंभ होने जा रहा है। आवाज से हम लोग का नेता तेजस्वी यादव जी 3 महीना पूरे बिहार में घूम घूम कर जनता को बताने का काम करेंगे। भारी आक्रोश है नीतीश जी के खिलाफ। पूरे बिहार का जो नौजवान है चाह रहा है कि कब चुनाव होवे, कि हम नीतीश कुमार को बतावें कि आपने बिहार को 15 साल में जो विकास बोलते हैं, बिहार जो है काफ़ी पिछड़ गया है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आशा भरी निगाहों से बिहार के गरीब मजदूर अकेले पिछड़ा देख रहा है। जब भी चुनाव होगा यहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव पूर्ण बहुमत से सरकार बनावेंगे। अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हो गए और यहाँ NDA जिस तरह झारखंड और दिल्ली में सफाया हुआ है नरेंद्र मोदी अमित शाह, उस तरह से बिहार में भी नरेंद्र मोदी अमित शाह नीतीश कुमार चारों खाना चीत होंगे। आया आने वाला जो है तेजस्वी प्रसाद जी के यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल News Crime 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।